अगली खबर करनाल से आ रही है, जहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने शुक्रवार को करनाल के लघु सचिवालय सभागार में मतदाता सत्यापन कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर राज्य स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित किया। जी हां, इस मौके पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने BLO मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि मतदाता सत्यापन कार्यक्रम को गंभीरता से लें। इस कार्यक्रम के तहत 100% सत्यापन आगामी 20 दिसंबर तक अवश्य पूरा होना चाहिए। इसके लिए BLO घर घर जाकर परिवार के मुखिया से मतदाता के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, यहाँ तक कि वोटर ID कार्ड भी दिखाने के लिए कहेंगे। उन्होंने उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने अपने जिलों में BLO को BLO ऐप पर मतदाता का सत्यापन करने बारे प्रशिक्षण दिलाएं। इसके बाद BLO संबंधित बूथ पर सत्यापन का कार्य आरंभ करें। जी हां, BLO को प्रत्येक दिन की अपनी रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में भेजनी होगी तथा जिला निर्वाचन अधिकारी पूरे जिले की रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजेंगे। कार्यशाला में संयुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर इंद्रजीत ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से मतदाता सत्यापन कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्यक्रम 11 नवंबर से शुरू हो गया और अब 20 दिसंबर तक जारी रहेगा। जी हां, इस कार्यक्रम के तहत मतदाता के नाम, जन्मतिथि, पता से संबंधित सूचना के अलावा मतदाता की मृत्यु होने या स्थान छोड़कर किसी दूसरी जगह पर रहने बारे की जानकारी हासिल करेंगे। उन्होंने बताया कि मतदाता सत्यापन कार्यक्रम एक विशेष अभियान के रूप में है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार संशोधित फोटो युक्त मतदाता सूची तैयार करने तथा पात्र युवा एवं व्यक्तियों की वोट बनाने का कार्य 1 जनवरी 2020 को क्वालिफाई तिथि मानकर किया जाएगा। जी हां, कार्यशाला में भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि के तौर पर विकास दुबे व निधि शर्मा ने BLO ऐप से जुड़ी तकनीकी जानकारी दी तथा उपस्थित अधिकारियों के पक्षों के जवाब भी दिए। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त अनीश यादव ने जिला प्रशासन की ओर से अतिथियों का स्वागत किया और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को आश्वासन दिया कि जिला में निर्धारित अवधि में मतदाता सत्यापन का कार्य 100% कर लिया जाएगा। लोड एनी वन ऑफ द एडिशनल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स ऑन द पोर्टल एंड थ्रू दैट डॉक्यूमेंट द वेरिफिकेशन विल टेक प्लेस। बट द जॉब वी हैव सीन कि आज की तारीख में और खास तौर से हरियाणा में जहां पर अभी चुनाव होकर चुके हैं और दोनों चुनाव इसी साल में होकर चुके हैं, तो मतदाताओं के अंदर इतना जोश नहीं होगा कि वो मतदाता सिटीजन सर्विस सेंटर पे जाएं या पोर्टल पे जाएं और वहां पर अप्लाई करें और अपलोड करें। आई एम क्वाइट क्लियर अबाउट इट। सो व्हाट वी वांट इज दैट जो हमने एक शेड्यूल बनाया है कि सब BLO को एक तो ट्रेनिंग देनी है और ट्रेनिंग उनको BLO ऐप में देनी है। अब जिसके बारे में कमीशन से आए हैं ये आपको बताएंगे कि BLO ऐप में ये काम किस तरह होगा। बट एवरी BLO हैज टू स्टार्ट गोइंग ऑन डे टू डे बेसिस फ्रॉम हाउस टू हाउस। नाउ इफ यू लुक, वी डू नॉट हैव मोर देन 1500 पोलिंग स्टेशंस विद एनी BLO। 1500 polling station and 1500 voters. So that becomes at the maximum 500 households or 600 households. So 10 din ke andar BLO ne 600 households ko visit karna hai. 2 week या 3 week का हमने टाइम दिया हुआ है। आपने उनको ट्रेन करना है फ्रॉम मंडे ट्यूजडे वेंसडे एंड फ्रॉम थर्सडे ऑनवर्ड्स उनको एक शेड्यूल बना के देना है कि आप इस दिन ये गांव करें, इस दिन ये गांव करें। थोड़ा टाइटली आप मॉनिटर करेंगे, देन ऑल द हाउसहोल्ड्स 95% ऑफ योर प्रॉब्लम will be resolved and we will be able to meet the deadline given by the Election Commission of India कि आपको 20 दिसंबर तक elector verification program कर देना। So if we do the training of BLOs and if we send them house to house collecting information
So when the BLO has to go to his field visit, वो अपने साथ फॉर्म 8, फॉर्म 7, फॉर्म 6 सारे फॉर्म्स का एक बंडल लेकर जाएगा. JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.